अरे यार, इस बार तो पहले जितने पटाखे फोड़ने को भी नहीं मिलेंगे। क्यों क्यों? पापा ने नई कार ले ली और मैंने 5,000 का नया हेयर ड्रायर। अरे उनको पता होना चाहिए ना यार कि उनके घर में सुपरस्टार पैदा हुआ है, तो वैसे पैसे कमाने चाहिए कि नहीं? भगवान से भी गलती हो जाती है। मुझे अम्बानी के घर में पैदा करना था, कहाँ फेंक दिया। तुझे तो थोड़े भी मिल जाएंगे, मुझे तो वो भी नहीं मिलेंगे यार। साफ साफ मना कर दिया, बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है। हाँ यार, सही बात है। अनु, अनु, दादू के कमरे की सफाई कर लो। हाँ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। हाँ जल्दी। मैंने कुछ बोला था? हाँ बस जा रहा हूँ, पक्का पक्का इस बार जा रहा हूँ। दीपावली आ रही है, जल्दी सफाई करनी है। बस एक मिनट, एक मिनट, जल्दी जा। मार 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 मार। चल 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 चल। जल्दी आ यार। हाँ आ रहा हूँ। तू उस साइड से झाड़ू लगा। क्या बोला? सफाई करवा ले यार। हीरो ये सब काम नहीं करते, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं नहीं करूँगा। क्या है बे तेरे बालों में? बालों के पीछे कितना मरता है यार तू। मत करवा, मेरे बाल खराब कर दिए यार। कितनी से लग गई बे। जा रहा हूँ मैं। भाई सॉरी यार, मत जा। ये क्या है? क्या है ये? कागज पुराना है। क्या यार? पटाखों का खजाना? देख देख देख। लाल पटाखे ही पटाखे। लगता है दादाजी को है ना पटाखे फोड़ने का बहुत शौक था, और अपने पटाखों का खजाना छोड़ और वो खजाना सिर्फ मुझ जैसे चमचमाते बाल वाले हीरो को मिलेगा। पर यार ये नक्शा बहुत पुराना है, इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि कहाँ पर है। हाँ तो हर गीदड़ों का झुंड होता है ना। क्या मतलब? मतलब दोस्त तो होंगे उनके, बेस्ट फ्रेंड तो होंगे ना यार। हाँ हाँ हाँ, उनके तीन दोस्त थे, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। चल उनके पास चलते हैं। चल चल ना तो फिर। ये पहले हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। तू नहीं करेगा? मैं क्यों करूं यार? तू मेरे यहाँ शादी में आया है क्या? कैसी बदतमीज़ है बात कर रहा है तू? तेरे लेवल से तो ऊपर की ही कर ली है यार। एक मिनट भाई, जा यार। अंकल जी, आप शताब्दी जी के ही लड़के हैं? शताब्दी ना, शताब्दी एक्सप्रेस बोल। तू ट्रेन की औलाद है यार। ये मेरे पापा का नाम है। नाम शताब्दी एक्सप्रेस, बस एक ही प्लेटफॉर्म तक गई यार। क्या मतलब है तेरा? मतलब तू अकेला ही है ना यार। इतनी बेइज्जत थी। अभी तुझसे रंदी तो नहीं है यार। रुक जा भाई। अंकल, आपके ही पापा है ना वो? हाँ, पर है नहीं, थे। क्यों, उनको भेज के नया पापा ले लिया क्या यार? इसको लेके
जा यहाँ से, इसको लेके जा। अबे पहले तो तू सबूत दे। बाप का नाम शताब्दी एक्सप्रेस और तुझ में इतने ब्रेक लग रहे हैं जितने बस में ना लगते हैं। बे चल चल चल। इस पाइप से भी हालत हो गई है तेरी यार। आइंदा मेरे बाल खराब किए काट डालूंगा। सॉरी 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 सॉरी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपके दादाजी हैं? नहीं है वो, तो उनको मेरे 1 साल हो गया। और इसको लेके जा, नहीं तो इसको नहीं मार दूंगा। सॉरी सॉरी यार सॉरी। जाने, आपके दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी। हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतना ही प्यार आ रहा तो उनके साथ चला जाता ना, आज मेरे बाल तो खराब नहीं होते। सॉरी सॉरी सॉरी। अबे तू चले यार। इसके पैर तो कवर में लग गए यार। चल ना। दादाजी दादाजी, ये इस नक्शे के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? ये तुम्हें कहाँ से मिला बेटा? ये मिला हमें दादू के रूम से। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है बेटा। आप नहीं बोल सकते तो क्या हुआ, हम तो बोल सकते हैं ना, हमारी तो अभी शुरुआत है। बताओ आप तो। दादाजी आप तो ये बताइए ये जगह कहाँ पर है अभी इस टाइम पर? बेटा इस गली से होके थोड़ी आगे जाना और चौराहे से आगे ये जगह मिल जाएगी। अब तो पटाके ही पटाके पटाके तो हमारा कोड। अरे खांसी खांसी की गोली, खांसी की गोली। जवान का लगाम लगाओ। गधे डबक डबक गया। जल्दी चल ना, पहले मैप मुझे दे यार। ये ले पकड़। चल अब जल्दी आ जल्दी। ये वो चौराहा है यार। हाँ हाँ इस साइड चलना है। चल 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 गर्ल्स हॉस्टल। ओह नो, पटाके ही पटाके। आप नहीं बोल सकते तो क्या हुआ, हम तो बोल सकते हैं ना। पटाके तो हमारा कोड। मतलब ये था उनका कोड वर्ड यार।
कटहल की बुट्टे साले क्या हेलो कमला साहब करने का बोला था ना तुझसे तो